हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसएल एकेडमी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लास 12th का जो झारखंड एकेडमी काउंसिल के थ्रू मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं। क्लियर? और इसमें हम आपको एक एक करके वो सारी बात बताएंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा मैथ्स के रिस्पेक्ट में। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 29 तक क्वेश्चन आता है, जिस सीक्वेंस में आता है क्वेश्चन नंबर 1 में, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से आप एक एक चीज को नोट करते रहिएगा, एक एक चीज पे फोकस करिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी तैयारी अभी भी पूरी नहीं हो पाई है तो भी एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से प्रश्नों को देखना है, किस तरीके के प्रश्नों को देखना है। क्लियर है बात? बढ़ते हैं हम लोग वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आ रहा है आपके पास बाइनरी ऑपरेशन से। बाइनरी ऑपरेशन से आएगा क्वेश्चन, पहला वाला 1 मार्क्स का होगा। किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे आपको डिफाइन किया हुआ रहेगा कि इफ ए स्टार यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है। ए स्टार बी इज डिफाइंड एज 2a + 3b, इफ ए स्टार बी इज डिफाइंड एज 2a + 3b - 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 * 2। मतलब ए और बी का डेफिनेशन दिया रहेगा, ए के जगह पे 3 पुट करना है, बी के जगह पे 2 पुट करना है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकेंड में निपटेगा, एक नंबर, ऐसे ही एकदम बुक है। तो बाइनरी ऑपरेशन का जो क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल आने जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए आप, ए स्टार बी अगर इसको डिफाइन करा गया 4b + a और आपको पूछ दिया जाए कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 3 * 2, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ए के जगह पे 3 पुट कर दे रहे हो, बी के जगह पे 2 पुट कर दे रहे हैं। जो लिखा है बस वहां पे पुट कर देना है, जो भी डेफिनेशन है। एक तरीके से आप ये कहिए कि फंक्शन का वैल्यू पुट कर देना है, मतलब जो भी वी है बी का वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू जो आ रहा है गिवन है उसको पुट कर दीजिए और आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो होगा, पहला क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन से रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा और सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ही रहेगा। क्लियर है बात? तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूछा जाएगा इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, जिसको कि आप ITF कहते हैं वहां से। तो इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन से दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी होगा एक नंबर का। कितने का? एक नंबर का। कैसा होगा इसका टाइप? बात करें अगर इसके टाइप के बारे में, तो यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू टाइप, मतलब आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। वैल्यू किस चीज का फाइंड करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ये π/2 हो गया। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, या ये क्वेश्चन टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/5 इक्वल टू टेन इनवर्स a + b/1 - ab के फॉर्मूले पे बेस्ड, या कोसेक इनवर्स -1/2। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। एक क्वेश्चन जो रहेगा जिसमें कि वो आप वैल्यू फाइंड करिएगा तो रेंज में लाई कर जाएगा, आपको कुछ भी वरी करने का नीड नहीं है, कुछ आगे का प्रोसेस करने का नीड नहीं है। लेकिन जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, यहाँ पे रेंज में लाई नहीं करेगा, तो आपको उसको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा और रेंज में लाना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो है, बार बार रिपीटेडली झारखंड के परीक्षा में इसी तरीके का आ रहा है, इसी टाइप का आ रहा है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही रहेगा दूसरा क्वेश्चन, एक नंबर का और इसी टाइप का रहेगा। क्लियर है बात? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिखने वाला है वो दिखेगा मैट्रिक्स से। कहाँ से? मैट्रिक्स से। और मैट्रिक्स में भी किस तरीके का क्वेश्चन, वो आपको एकदम पूरा विजुअलाइज करा देता हूँ, समझते रहिएगा, देखते रहिएगा। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा कंपेयर करने वाला वैल्यू। जैसे आपको रहेगा कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई अगर मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है। तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप क्या करिएगा, एलिमेंट्स को इक्वेट कर लीजिएगा, ठीक है, और वहां से एक्स और वाई का वैल्यू निकालिएगा। सिंस क्वेश्चन एक मार्क का है तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करिए और क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो इसी टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? कंपैरिजन वाला। तो ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन नंबर 3 में कई बार दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन वो भी पूछा जा रहा है मैट्रिक्स से ही। और उस क्वेश्चन में क्या रहता है, आपको डिफाइन किया हुआ रहता है। क्या डिफाइन कर रहता है? आपको डिफाइन करा रहेगा मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे aij = i + 1/j, ठीक है, ये अगर ऐसा आपके पास डिफाइन किया हुआ, ये भी 1 मार्क्स का रहेगा। क्लियर हो गया बात? और आपको 2×2 का मैट्रिक्स बनाना है, समझ गए, 2×2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो कैसे करिएगा, क्या करिएगा, आप i का वैल्यू 1 रखिएगा, उस समय j का वैल्यू 1 रखिएगा, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2,
फिर आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, और आई का वैल्यू भी 2 और जे का वैल्यू भी 2, और ऐसे करके आपको ऑब्टेन हो जाएगा एक 2x2 का मैट्रिक्स जहाँ पे 4 एलिमेंट आपको मिलेंगे। तो ये दो तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, दो तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके झारखंड बोर्ड का जो पेपर होगा उसके जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेंगे उसमें पहला टाइप का क्या कंपेयर करने का, कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेने का, और दूसरा नंबर क्या मैट्रिक्स जनरेट करने का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना वो भी होगा मैट्रिक्स से ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा वो भी मैट्रिक्स से होगा, लेकिन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किस सेगमेंट से पूछे जाएंगे वो मैं बताता हूँ आपको। और सबसे पहला तो आ जाएगा कि प्रोडक्ट, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा ए, बी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मैट्रिक्स, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। क्लियर हो गया बात? मैट्रिक्स दिया रहेगा ए, मैट्रिक्स दिया रहेगा बी, और यू विल हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मैट्रिक्स, ये होगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा कि फाइंड द वैल्यू टाइप, समझ आ रहा है, फाइंड द वैल्यू टाइप। और तीसरा जो होगा वो कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। तो इसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बोलो क्लियर है बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर जो 5 पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 मेनली पूछा जा रहा है झारखंड बोर्ड में और आगे आने वाले समय में भी जो मेनली पूछे जाने की संभावना बनती है वो बनती है टेंजेंट एंड नॉर्मल से। कहाँ से? टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन नंबर 5 के पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है किस तरीके का होता है, आपको एक तो फंक्शन दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वाई इक्वल टू 4x³ + 8x है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, फाइंड फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। तो आपके पास टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना रहेगा एट गिवेन पॉइंट पे। तो अगर आप मान लो टेंजेंट पे आपको स्लोप करना, तो आप क्या करते हो, आपको नॉर्मल, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता है कि आप डिफ्रेंशिएट करते हो ना, तो वाई को डिफरेंशिएट कर लो और पुट कर दो वैल्यू x=4। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा स्लोप किसका, टेंजेंट का। और अगर मान लो आपको नॉर्मल का पूछा जा रहा है कि नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, स्लोप टेंजेंट का जो होता है वो -1/ नॉर्मल का स्लोप होता है, तो इससे निकाल लेना, क्योंकि स्लोप टेंजेंट और नॉर्मल जो होते हैं वो तो प्रोडक्ट, वो तो क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो तो -1 होना चाहिए ना। बोलो है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि किसी एक का निकाल लिया आप स्लोप, दूसरे का स्लोप आसानी से निकल सकता है। और स्लोप जहां तक बात है टेंजेंट का, तो आपको डिफरेंशिएट करना है, और जो भी वैल्यू गिवन है, जैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 नंबर पे बात कर ले, तो यहाँ पे x=4 पे बात करा गया है, x=4 पुट करना मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें, तो वाई को डिफरेंशिएट करना और x=2 पुट करना मिल जाएगा आपको, किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। फिर नॉर्मल का बात कर, अगर नॉर्मल के स्लोप के बारे में बात करनी हो तो क्या करोगे, -1/ कर देना, समझ गया, बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके झारखंड बोर्ड के परीक्षा में आएगा यहीं से क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम चांस है आगे आने वाले परीक्षाओं में भी यहीं से प्रश्न बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा क्वेश्चन का वो आएगा डिफरेंसिएशन। ठीक है, 6 नंबर जो होगा वो डिफरेंसिएशन से रहेगा, और डिफरेंसिएशन में भी बहुत सारा बात है यार। तो डिफरेंशिएशन में बहुत सारा बात है, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कहाँ से क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ आपको कि जो 6 नंबर में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ रहा है वो मैक्सिमम क्वेश्चन चैन रूल से ही आ रहा है, चैन रूल से ही आ रहा है, फंक्शन का फंक्शन। ठीक है, तो चैन रूल से ही आ रहा है, और किस तरीके का क्वेश्चन होता है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है, y=tan√sin x, y=tan√sin x टाइप का क्वेश्चन होगा, y=sin x² टाइप का क्वेश्चन होगा, y=sin√x टाइप का क्वेश्चन होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल के क्वेश्चन पेपर में दिखने वाला है, उसमें डिफरेंशिएशन दिखने वाला है, और उसमें भी चैन रूल से रिलेटेड, चैन रूल से संबंधित प्रश्न आपको दिखने वाले हैं। खास ख्याल रखिए, अगर आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से ही अपनी तैयारी को बनाइए आगे। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा, इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में रहेगा इंटीग्रेशन, और किस तरीके का इंटीग्रेशन, फिर से बता रहा हूँ, किस तरीके का इंटीग्रेशन, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आएगा यूजुअली सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रेशन। किसी भी चीज को आपको मानना पड़ेगा कुछ और उसको डिफ्रेंशिएट करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस क्वेश्चन में e^(tan−1x) है, ये e^(tan−1x) बाई 1+x²x, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप tan−1x को t पुट कर लोगे, और आपको पता है कि
टेन इनवर्स एक को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 1 + x². फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, टेन टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, तो आप क्या कर लोगे, टेन एक्स को टी पुट कर दोगे। आपको पता है कि टेन एक्स को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर मिलेगा, और इसके हिसाब से आप इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और क्वेश्चन नंबर 7 का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेशन में भी बहुत ज़्यादा चांस कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सब्स्टिट्यूशन रूल से आएगा। बोलो क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8, वो आता है वेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 8 जो रहता है वो आता है वेक्टर से, और उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सुनो। 8 नंबर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा वेक्टर से, उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सुनना। सबसे पहला आएगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर, आपको दिया रहेगा आई कैप जे कैप, आई कैप +3j कैप +4k कैप, और फाइंड करना यूनिट वेक्टर। तो कर लेना, कैसे करोगे, उसके वेक्टर को डिवाइड कर देना किससे, मैग्नीट्यूड से। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे बनेगा, मतलब टाइप 1 क्वेश्चन का बताया, एक ऐसा बन रहा है। दूसरा जो टाइप आ रहा है यार वेक्टर में, क्वेश्चन नंबर 8 के जगह पे, वहां पे यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना रहेगा, लेकिन दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में रहेगा। बोलो समझ में आ गया बात, किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में फाइंड करना रहेगा आपको यूनिट वेक्टर, और वो भी सेम टाइप से बनेगा, सिमिलर टाइप से बनेगा। तीसरा पार्ट अगर बात करें, तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है इस एग्जाम में, वो है कि टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर विथ अ गिवन मैग्नीट्यूड। तो जो सेकेंड नंबर बनाया ना, उसमें मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं यूनिट वेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। कभी आपको सिर्फ वेक्टर दे दिया जाएगा, आपको निकालना रहेगा यूनिट वेक्टर, कभी आपको किसी कोई दूसरा वेक्टर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उसी वेक्टर के अराउंड में, उसी वेक्टर के अलोंग में, उसी वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। और कभी ऐसा कहा जाएगा कि किसी वेक्टर का दिया हुआ अगर रिप्रेजेंटेशन, वहां पे आपको उसी के अलोंग में आपको क्या निकालना है, वेक्टर निकालना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कुछ गिवन रहेगा। नॉर्मल बात है, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना बनेगा। बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आएगा, जो कि आपके झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पेपर के 9वें नंबर पर रहेगा, वो फिर से यहाँ पे आएगा वेक्टर के फॉर्म में ही, ठीक है। और वेक्टर में क्या रहेगा, प्रोजेक्शन फाइंड करना रहेगा, क्या प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के लिए एक तो वेक्टर दिया हुआ रहेगा, दूसरा भी वेक्टर रहेगा, एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन निकालना रहेगा। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस, ठीक है। तो दो वेक्टर दिया रहेगा, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना रहेगा दूसरे पे। क्लियर हो गया बात। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ना, ये 3D से आएगा। समझ आ गया बात, कहाँ से आएगा, 3D से होगा, 3D ज्योमेट्री से। कैसा क्वेश्चन आएगा, तो 3D ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन बनता है यूजुअली, वो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से संबंधित होता है। कैसा होता है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से संबंधित होता है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो और फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात कर ले हम लोग, तो क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर 2i + 3j + 4k इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन आर दिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये हो गया, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर दिस, एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन आर 2 - 2 - 2, देन इट्स फाइंड फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ रहेगा और वहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना रहेगा, और उसी से संबंधित डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना रहेगा। तो एक क्वेश्चन हो चुका है, और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो जैसे इस तरीके के क्वेश्चन भी होंगे यहाँ पे, कि आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना रहेगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन रहता है कि अगर इक्वल एंगल बना रहे तीनों एक्सिस, ठीक है, तो कैसा होगा, तो कैसा होगा डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन कैसा होगा, ये फाइंड करना रहेगा। तो ये थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, और आपको आगे आने वाले मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में भी कोई वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल आप हमें बताइए, हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी तरीके के एनालिसिस करके 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बोर्ड में आने वाले हैं, और जैसे कि आ रहे हैं, उसका एनालिसिस करके बता सकें, और आगे आने वाले समय में भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकें। क्लियर, अगर आपको नीड हो, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो बिल्कुल बताइएगा, हम लोग जल्द ही आपको प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो भी। वीडियो को देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।